दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही औरंगाबाद जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में आ गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन न सिर्फ कटिबद्ध है बल्कि इसे लेकर सारी तैयारियां की जा रही है। वहीं एसपी ने बताया कि चूंकि जिला नक्सल प्रभावित है ऐसे में चुनाव के दौरान किसी भी तरह की नक्सल गतिविधि से निपटने को लेकर पुलिस प्रशासन सजग है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों के आ जाने के बाद इस कार्य में और भी तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वोटरों को किसी भी तरीके से डराने धमकाने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। कुछ फोर्स पहले से हम लोग के पास एसएसबी और सीआरपीएफ है, उसके माध्यम से हम लोग उसको निश्चित सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह की नक्सल गतिविधि इलेक्शन के दौरान नहीं हो पाए, किसी भी तरह से उनको स्वतंत्रता न मिले कि वो चुनाव को प्रभावित करें। साथ ही साथ वाहन चेकिंग, बॉर्डर सीलिंग और जितनी भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, वारंट है, कुर्की जब्ती है, शस्त्र का सत्यापन है, सभी कार्रवाइयाँ लगभग एक महीने से चल ही रही हैं, उसको और अब हम लोग स्पीडअप करेंगे। छठ का एक अलग इशू है जो हम लोगों के लिए चुनौती रहेगा, क्योंकि उसी दिन वोटिंग भी है, उसी दिन छठ भी है, तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट एक काफी जनता में जागरूकता के लिए स्वीप का कार्यक्रम कर रहे हैं कि मतदान के लिए घरों से बाहर निकलें, प्रलोभन और दबाव में ना आए, कमजोर वर्ग दर जिनको डराया जा सकता है ऐसे मतदाताओं तक हम और अच्छे से पहुँचेंगे अभी अगले एक डेढ़ महीने में। सारे कोशांग हमारे वाहन व्यवस्था पुख्ता है हमारे पास, जितने भी हमारे सैनिक बलों के लिए पोलिंग पार्टीज के लिए सबके लिए लगे उसका भी पूरा अभ्यास एक्सरसाइज करके हमने बना लिया है। अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे हैं इस बार चुनाव में, सुगम सुविधा सी विजिल सबकी ट्रेनिंग दे के हम लोग ईवीएम के प्रशिक्षण पर बहुत जोर दिया है हमने। स्ट्रांग रूम इसकी भी तैयारी हमारी हो गई है, स्ट्रांग रूम में जो काम करना है हमें सेना कॉलेज में वो भी हमने शुरू कर दिया है और बहुत शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी ऐसा हम लोग को विश्वास है। औरंगाबाद में कोचिंग जा रही छात्रा पर एसिड अटैक का एक मामला सामने आया है। घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र की है। हादसे में झुलसी छात्रा को तत्काल सदर अस्पताल लाया गया जहां आवश्यक इलाज के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जमुहार रेफर कर दिया है। परिजनों ने बताया कि छात्रा ने गांव से कोचिंग आ रही थी कि रास्ते में इरका गांव के समीप बाइक सवार तीन मनचलों ने उस पर एसिड फेंक दिया। घटना के बाद से पुलिस इस मामले को लेकर काफी गंभीर हो गई और इस अपराध के तह तक जाकर मनचलों की शिनाख्त कर ली है। इस मामले पर पूछे जाने पर एसपी दीपक वर्णवाल ने बताया कि चूंकि छात्रा जख्मी हालत में कुछ भी बता पाने में असमर्थ थी इसलिए थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन छानबीन के दौरान एसिड हमला करने वालों की शिनाख्त कर ली गई है और इस हमले में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया गया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाएगी। इधर जिलाधिकारी ने भी मामले को गंभीरता से लिया है
और इसे दुखद घटना बताते हुए कहा कि पीड़िता के इलाज में जो कुछ भी खर्च आएगा उसे जिला प्रशासन वहन करेगा। साथ ही नियमानुकूल जो भी सहायता राशि दी जाती है उसे भी जिला प्रशासन अति शीघ्र उन्हें मुहैया कराएगा। क्योंकि जब बच्ची से बात हुई तो वो नाम नहीं बता रही थी कौन है, तो काफी समय इसी में लग गया कि वो लोग हैं कौन। वर्तमान में जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन है कि वो चिन्हित हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसमें बाइक भी बरामद हो गई है जिस बाइक से उन्होंने अटैक किया था। इसमें बहुत दुखद घटना है, हम लोग उनका इलाज के लिए सरकार उसके लिए खर्च देगी। तब तक हमने अपने स्तर से रेड क्रॉस से किया है और 3 लाख रुपए का जो प्रावधान है गृह विभाग का उसको भी हम लोग समझो पहले वो ठीक हो जाए अच्छी तरह, और अगर उनका आधा पैसा खर्च होगा तो भी हम बाद में पूरा बिल उनका देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके अस्पताल के बिल उनको खुद नहीं देने पड़े, प्रशासन उसको पहले करके बाद में हम उसको कर लेंगे। पर हम लोगों का पूरा ध्यान है, अपराधी पकड़े जाए उसके लिए एस पी साहब ने आपको बताया है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो गई है, शुरू हो गई है, चिन्हित किया गया। निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र के महापर्व की तारीखों की घोषणा तो जरूर कर दी है, लेकिन निर्धारित तिथि के अनुसार प्रथम चरण यानी कि 11 अप्रैल को बिहार की गया, औरंगाबाद, नवादा तथा जमुई में मतदान होना है। मगर उसी दिन लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का पहला अर्ध भी है, ऐसे में चुनाव पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। खासकर औरंगाबाद जिले के सूर्य नगरी देव में इस मौके पर 4 दिवसीय मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें तकरीबन 12 से 14 लाख छठव्रती तथा श्रद्धालु यहां जुटते हैं। ऐसी स्थिति में यहां चुनाव कराना जिला प्रशासन के लिए न सिर्फ चुनौतियों भरा साबित होगा बल्कि मतदान के प्रतिशत पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ पूरे जिले में धारा 144 भी लागू है और छठ पर्व को लेकर शहर हो या गाँव तकरीबन हर जगह इसे लेकर भीड़ उमड़ती है, जो की जिला प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था के लिहाज से मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के लोगों ने भी निर्वाचन आयोग से इस मसले पर गंभीरता से सोच विचार करने और प्रथम चरण के मतदान की तिथि परिवर्तित करने की मांग जोरों से की है। 11 तारीख को छठ है, हम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं और इसी दिन लोकतंत्र के महापर्व जिसे कहते हैं चुनाव की घोषणा हुई है, और उसमें औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को भी 11 तारीख को मतदान करवाने का निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया। यह निश्चित रूप से अव्यवहारिक निर्णय है निर्वाचन आयोग का। हम भारत सरकार के निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं और स्थानीय यहाँ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मांग करते हैं कि स्थिति पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि प्रशासनिक आंकड़ा है कि देव में 10 लाख श्रद्धालु आते हैं और 10 लाख श्रद्धालु अगर यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं मतदान से वंचित हो जाएंगे। और देव जो एरिया है, यहाँ भी जो बूथे हैं उस पर भी देव के इर्द गिर्द का जो वोटर वोट देते हैं, लगभग 25,000 की आबादी है, वोटर वोट की कैपेसिटी है, वो भी वोट से वंचित हो जाएगा। माननीय चुनाव आयुक्त ने 2019 के लोकसभा चुनाव के सभी चरणों की घोषणा की है, जिसमें प्रथम चरण जो 11 अप्रैल को तिथि निर्धारित की गई है और उसमें औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का भी चुनाव उसी दिन होना है। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि एक तरफ लोकतंत्र का आस्था जो कि चुनाव है और मतदान है, और दूसरी तरफ छठ जैसी महापर्व जो कि बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है वो भी 11 अप्रैल को ही है, और ऐसे में चुनाव से कराना और उस दिन छठ पूजा होना और दोनों का एक ही तिथि होना यहाँ के मतदाताओं के लिए भी समस्या है, क्योंकि यहाँ के मतदाता उस दिन के बाहर निकलकर मतदान करने के बजाय छठ पूजा में ही लगे रहेंगे। तो इसलिए चुनाव आयुक्त ने जिस तरह से घोषणा की है और जिस तरह से उस दिन 144 लगा हुआ रहेगा, तो बाहर से भी काफ़ी लगभग 10 लाख लोग आते हैं औरंगाबाद और खास करके देव में, जिसे देव के लगभग 9 बूथ ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित रहेंगे उस दिन मेला के भीड़ को लेकर। तो एक बूथ से प्रभाव पड़ता है, यहाँ तो 9 बूथ प्रभावित रहेंगे। तो ऐसे में हमारे मांग यही है चुनाव आयोग से कि एक तरफ जहाँ वो मतदाताओं को बाहर निकल कर आने के लिए और चुनाव में भाग लेने की बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ उसी दिन जिस दिन छठ पर्व है उसी दिन चुनाव की तारीख भी रखे हैं, ऐसे में मतदान से
प्रभावित होगा और बहुत से लोग मतदान नहीं कर पाएंगे और वंचित रहेंगे, खास करके महिलाएं। इस बाबत जिला निर्वाची पदाधिकारी से जब बात की गई, तब उन्होंने बताया कि इसे लेकर निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने एक बार फिर इस मसले पर निर्वाचन आयोग से चर्चा करने की बात कही, साथ ही उन्होंने भी स्वीकार किया कि अगर उसी तिथि को मतदान होना सुनिश्चित हो जाता है तो कतई संदेह नहीं कि मतदान का प्रतिशत घटेगा। वो विषय काफी गंभीरता से आया है हम लोग के भी सामने और पहले से भी हमें पता था, तो हम लोग अभी राजनीतिक दलों ने भी हमें लिखित आवेदन दिया है, उन्होंने स्वतः भी संपर्क किया है चुनाव आयोग को, हम लोग भी उनसे संपर्क में हैं, जो भी उनका निर्णय होगा बता दिया जाएगा। हम लोग भी चाह रहे हैं कि मतदाता का प्रतिशत काफी बढ़े, उस आधार पर हम भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं। बहरहाल लोकतंत्र के महापर्व तथा लोक आस्था का महापर्व दोनों की तिथि यदि अंतिम रूप से एक ही रह जाती है तो न तो लोकतंत्र में सभी मतदाताओं की भागीदारी हो पाएगी और न ही छठ महापर्व का लोकानंद ही उठा पाएंगे। माँ विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहाँ आप पाएंगे SD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी, अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ TV देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। औरंगाबाद में आयोजित 41वीं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत आज हुए दो मैचों में जहां पश्चिम बंगाल की टीम ने मध्य प्रदेश को 0 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर दिया, वहीं दूसरे मैच में बिहार की टीम ने आंध्र प्रदेश की टीम को 0 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। गौरतलब है कि 10 मार्च से 17 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 18 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया है। एक 0 से बढ़त बना चुके हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। मैनेजर साहब पीछे क्या नहीं बताइए। ये 41वीं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल फेडरेशन कप 2019 जो कि औरंगाबाद में कराया जा रहा है, शहीद भगत सिंह आयोजन समिति के द्वारा आयोजक शहीद भगत सिंह समिति है। इसके सभी मेंबर, इसके सभी पदाधिकारी काफ़ी अच्छा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं इस आयोजन को कराने में। और इस आयोजन में आज का मुकाबला आंध्र प्रदेश और बिहार के बीच हुआ, जिसमें बिहार की टीम 6-0 से आंध्र प्रदेश को परास्त किया। और फिर दूसरा मुकाबला कराया गया मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच, जिसमें पश्चिम बंगाल की टीम 5-0 से मध्य प्रदेश को परास्त किया है और आगे उन्होंने अपना जगह स्थापित कर लिया है। उद्देश्य है बच्चों को खेल की तरफ लाना और आज करके परिवेश में बच्चों लोग नशा पान ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए खेल को बढ़ावा दिया जाए और आगे लाया जाए, हम लोग का उद्देश्य यही है। आपसी भाईचारा और देश में एकता के संदेश को लेकर अम्बा में कौमी इत्तेहाद मोर्चा के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कमेटी से जुड़े कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत भारी संख्या में लोगों ने कौमी इत्तेहाद मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। भाई, इसका पहला उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, देश में समाज में आपसी भाईचारा, मोहब्बत, शिक्षा और तालीम के प्रति जागरूक और जो हक तल्फी है, जो हकमारी है, उसको चिन्हित करके बताना।
इसका पहला उद्देश्य जो बिल्कुल क्लियर कट है वो है आतंकवाद मिटाओ भारत बचाओ। समाज में समन्वय आपसी भाईचारा मोहब्बत कायम करके देश को आगे बढ़ाने में कल भी योगदान रहा है, आगे भी योगदान रहेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।